अभी आप लोग सुन रहे होंगे, अभी धर्मनिरपेक्षता की बात चल रही है हमारे देश में, क्योंकि जब से राम जन्मभूमि में मंदिर की शिलान्यास में कौन प्रधानमंत्री गए हुए हैं, जब से इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। तो इसी से संबंधित एक आपका आर्टिकल है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। तो इसमें इतना ही कहूंगा कि आप लोग मतलब अंधभक्ति की तरह मत बोलिए, आपको बस सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सोचना है। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक पक्ष दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरे तीसरे को गाली दे रहा है। तो मतलब एक आपको इंसान की तरह, समझदार इंसान की तरफ सोचना है, ठीक है? तभी कुछ आप लोग लिख सकते हैं, और आप नीचे भी वही सोचकर लिखिए, ठीक है? देखेंगे आखिर किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, और धर्म निरपेक्षता से समझते क्या है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। ये हमारे देश में ऐसा नहीं है कि किसी को हमारा संविधान किसी के धर्म को बढ़ावा दे, किसी को नीचा दिखाए, ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई भी धर्म हो, चाहे फिर आपका हिंदू हो, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, सभी को बराबर का हक दिया गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे, धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में जो संविधानिक प्रावधान दिए गए हैं उन्हें भी देखेंगे हम लोग। धर्म निरपेक्षता का महत्व आखिर क्यों है, धर्म निरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे, इसके नकारात्मक भी पक्ष भी देखेंगे। धर्म निरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्यक्ष देखेंगे, और भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना की बिंदु जो है उन्हें देखेंगे। समाधान किस तरह से हो सकता है उस पर भी बात कर सकते हैं। अगर आपका भी कुछ विचार है तो आप नीचे लिख सकते हैं, बस एक जागरूक इंसान की तरह लिखिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर वो देखते हैं वो अलग बात है, ठीक है? क्योंकि उनका मतलब दिमाग ही सेट कर दिया जाता है कि आपको इसके प्रति लड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आपको उससे हटकर सोचना है। आप सोचिए भाई, शायद मुझे नहीं लगता है कि भगवान हमारे श्री राम अगर धरती पर इस समय होते तो वो किसी के दूसरे के धर्म को गाली दे रहे होते, या किसी दूसरे को मतलब नीचा दिखा रहे होते। शायद हम लोग, पता है, हमें कभी माफ नहीं करेंगे भगवान अगर सच में होते हैं, और अगर सजा मिलती है तो इन कामों के लिए हमें कभी भी माफी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कभी नहीं किया कि आपस में आप लड़ते रहिए, आप मरते रहिए, आप हमारे नाम पर राजनीति कीजिए, या हमें मतलब ऐसा करिए, हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखिए, हमारे हमारी समझ रहे हैं, उन्हें एक केंद्र में रख के राजनीति करते रहिए, अपनी रोटियां सेंकते रहिए। भगवान तो मतलब एक है, हमारे हों या आपके हों या किसी और के हों, समझ रहे हैं? तो इससे हमें मतलब, आप खुद भी सोचिए कि क्या भगवान ये करते हैं कि आप दूसरे का मर्डर कीजिए, क्या भगवान ये करते हैं कि आप दूसरे को नीचा गिराइए? कभी नहीं ना। अभी कल ही परसों मैं देख रहा था कहीं की मतलब, कई बार आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, आप रामायण में आपने देखा है कि भगवान कितना मतलब आपको दिखाया गया। चलिए ये रामायण अभी बनाई गई है, आप पहले जो भी आपकी रामायण है या जो आपकी रचना है उसमें अलग बात है, अभी कम से कम आप जो रामायण देख रहे हैं उसमें कभी देखिए राम के नेचर को, उनके व्यक्तित्व को। आप ऐसा नहीं है कि हम वो भगवान बने बनाए आपने देखा है, एक इंसान का रूप लिया है, किस तरह से उन्होंने परिश्रम किया, उसने उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी। पुरुषोत्तम श्री राम, यानी कि एक पुरुषों में उत्तम, इसका मतलब क्या होता है, पुरुषों में उत्तम श्री राम, समझ रहे हैं? इसलिए उन्हें भगवान मानने लगे हम लोग। तो कभी उनके मतलब उनके नाम पर अगर आप दो शब्द लिख रहे हैं तो उनकी जगह अपने आप को रख के तो देखा करिए, वो क्या सोचते होंगे, समझ रहे हैं? उसे कम से कम सोच तो लीजिए, करिएगा। मुझे लगता है, देखिए, धर्म को जो नहीं मानता है वो खुश है, ठीक है? क्योंकि भगवान भी उस पर हमेशा खुशी रखते होंगे उसे। अगर आप मानते हो फिर भी गलत काम करते हो तो आप, मुझे लगता है, सबसे ज्यादा दंड लायक होते हैं। और अभी धरती पर रहना, हमारा रहना, आपका रहना, कोई बात नहीं है, 10, 20, 50 साल, 100 साल, 150 साल, बहुत से, वो तो आप 200 साल जी सकते हैं, आप महान हैं, लेकिन जाएंगे तो एक दिन। अगर आप ऊपर समझते हैं कि कर्मों की सजा मिलती है, तो मैं कभी नहीं मानता हूं कि आपको माफ किया जाएगा इन कामों के लिए, ठीक है? इंसानियत है, बराबर रखिए आप, फिर चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सबके प्रति एक इंसानियत का बर्ताव कीजिए, ठीक है? यही करना। देश के प्रमुख विपक्षी दलों के अनुसार राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री का धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना प्रधानमंत्री के रूप में ली गई शपथ के साथ
साथ संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया और कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता व भावना का प्रतीक है। इससे समुचित अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। राम मंदिर को भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि यह न केवल आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की बल्कि अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। वस्तुतः धर्म निरपेक्षता एक जटिल या फिर गद्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक से संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा गया है, अर्थात तटस्थ रखा गया है। धर्म निरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से भी रोकती है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाए, किसी के दूसरे के धर्म को आगे बढ़ाए, ऐसा भी नहीं है। सबको बराबर मानते हैं। धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य आपका क्या है आखिर? धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी भी से कोई भी भेदभाव ना करे। आपने देखा होगा कि जब कोई भी सीएम या कोई भी शपथ लेता है तो वो क्या कहता है कि हम सबकी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जानिए कि अगर आपको किसी ने आप चुनाव लड़े, आप अगर एमएलए ही बनते हैं, मतलब विधायक भी बनते हैं, तो हो सकता है कि आपको 30% लोगों ने वोट दिया हो और बाकी सदस्यों को किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 15%, लेकिन आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको वोट दिया है उसका भी आप लोग नेतृत्व करते हैं, उसकी भी समस्याओं का हल करते हैं और जिसने नहीं दिया है उसकी भी समस्याओं का हल करते हैं। आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो यही होता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट है। धर्म निरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होगा जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि विभिन्न धर्मों के मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, दूसरे अपने धर्म को मान सकते हैं, इस तरह हर कोई अपने धर्म को मान सकता है जब तक कि एक दूसरे के धर्मों में टकराव ना हो। धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में अगर हम लोग संविधानिक दृष्टिकोण को देखें अपने, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्म निरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो आपके मिले हुए हैं। याद रखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें शामिल है। भारतीय संविधान में पुनः धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है, पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत बड़े स्तर पर इसमें बदलाव किया गया था। यहां पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव ना कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार भी करता है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो भारत का संविधान है किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं, सबके लिए बराबर है। तो आप अभी देखते हैं कि हमारे देश में अगर राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र को एक से एक मतलब जोड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं संविधान ही है। वरना आजादी के समय कई देश हमसे बोल रहे थे कि भारत बहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा, 5 से 7 साल में पूरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे थे कितनी रियासतें थी हमारे समय और सभी रियासतें हम में शामिल नहीं होना चाह रही थी। अंत तक आप देख सकते हैं जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, कश्मीर हो, ये तो अंत तक डटी रही। किस तरह से हम लोगों ने शामिल किया आप समझ सकते हैं। लेकिन संविधान कम से कम ऐसा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, समझ रहे? ये सभी हम लोगों को एक कड़ी में जोड़े हुए हैं, यही तो राष्ट्रवाद है, ठीक है।
धर्म निरपेक्षता का महत्व अगर बात करें तो भारतीय धर्म निरपेक्षता अपने आप में एक अनोखी अवधारणा है, जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। धर्म निरपेक्षता समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है। एक धर्म निरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है, सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है। व्यक्ति अपने धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्म निरपेक्ष राज्य प्रदान कर सकता है। धर्म निरपेक्ष राज्य नास्तिक की भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस प्रकार धर्म निरपेक्षता एक सकारात्मक क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मजबूत प्रदान करती है। अगर धर्म निरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष की बात करें, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट की, यानी कि अच्छाई, तो धर्म निरपेक्षता की भावना एक उदार और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो सर्वधर्म संभाव की भावना से परिचालित है। धर्म निरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत प्रदान करती है और तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य भी करती है। आप वरना पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। समझ रहे हैं कि वहाँ मुस्लिमों का वर्चस्व है, और आप समझ सकते हैं हिंदू किस तरह से दबे रहते हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है लगातार। धर्म निरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना, जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है। धर्म निरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म निरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात इसकी जड़ें उत्पत्ति ईसाइयत में खोजी जाती हैं। धर्म निरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आरोप भी लगाया जाता है, जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करती है। भारतीय संदर्भ में धर्म निरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो अल्पसंख्यकों के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि राज्य तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियां ही किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। धर्म निरपेक्षता को कभी कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है, जो समुदायों व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। धर्म निरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल की तुलना अगर हम लोग करें, कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता पश्चिमी धर्म निरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन संविधान को ध्यान में से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म निरपेक्षता पश्चिमी धर्म निरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है, जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। हम तो आज भी कई देश हमसे कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने संविधान उधार लिया हुआ है। देखिए, हम लोगों ने डायरेक्ट अधिकार, जैसे यहाँ आपके ये कहते हैं सो अमेरिका से लिए गए, तो याद रखिए अमेरिका से डायरेक्ट पूरे ज्यों के त्यों हमने उठा के शामिल नहीं कर लिए गए। जो हमारी जरूरत थी, जो नकारात्मक मतलब थे उन्हें हटा दिया, जो मतलब अच्छे थे हमारे लिए, जरूरत थी पूरी तरह से, उन्हें हम लोगों ने शामिल किया। यही हमने पूरे संविधान में किया हुआ है। ज्यों के त्यों उठा के हमने किसी के संविधान को अपने में शामिल नहीं किया है, ठीक है। पश्चिमी धर्म निरपेक्षता जहां धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णता संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्म निरपेक्षता का पूर्णता नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संविधानिक मान्यता पर आधारित है। गौरतलब है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता ने अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों, महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों और अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का भी विरोध किया है, जिसे पश्चिमी धर्म निरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न होता है। आप सोचिए पाकिस्तान का हाल आप जानते हैं,
एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान में हिंदू गए हुए थे, आज ना के बराबर बचे हुए, या तो उनके धर्म परिवर्तन कर दिया गया या तो मार दिया गया, समझ रहे हैं? उससे बेहतर स्थिति हमारे यहाँ सभी समुदायों की है, आप समझते हैं बेहतर। या पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिलाओं के लिए कोई निर्देश नहीं निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जबकि भारत में मंदिरों मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं। भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी है जो पश्चिम में देखने वाले देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ना अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं सरकार ने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं। अगर सरकार को लगता है कि यह समय गलत है तभी उस पर कुछ भी मतलब निर्णय ले सकती है। भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना यानी कि बुराई क्यों की जाती है, इसे भी देख लेते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है, लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। धर्म निरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित अर्थात ईसाइयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्म निरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। यह कहीं से आयातित नहीं बल्कि मौलिक है, यानी कि हमारे यहाँ की है। यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वही जैन धर्मावलंबियों अपने संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों सालों से चले आ रहे आने के आधार पर कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता पर सवाल उठाती हुई कुछ घटनाएं भी इसके समक्ष चुनौती पेश कर रही हैं, जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड और वर्ष 2013 के गुजरात दंगे, गोहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि। जब भी आप लोग आंसर डाल लिखें उसमें जब भी आलोचना के बिंदु आप लोग डालें तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखिए, इन्हें भी आप लोग डाल सकते हैं। आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क भी यह भी दिया जाता है कि धर्म निरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। फिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म निरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई और एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। इसमें समाधान क्या हो सकता है आखिर? चूंकि धर्म निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, अतः सरकारों को चाहिए कि वे इसका संरक्षण सुनिश्चित करें। SR बुम्बई बनाम भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता जो धर्म निरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है को मजबूती से लागू करने की भी आवश्यकता है। किसी भी धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, अतः जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि भी इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचें। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? सरकार को चाहिए कि वह इसका संरक्षण सुनिश्चित करे। चूंकि धर्म निरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया गया है, धर्म निरपेक्षता के संविधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होता है। अंत में उसे वोट बैंक के लिए राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिए। मैं कहता हूं इस तरह की कोई भी राजनीति अगर करता है धर्म वोट बैंक की धर्म को लेकर तो उसका मतलब चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप देखते हैं एक समुदाय को लेकर एक चलता है, दूसरे समुदाय को दूसरा लेकर चलता है। और एक और यहाँ पॉइंट याद रखिए आप लोग कि
इस तरह का अगर क्वेश्चंस कभी पूछता है, इंटरव्यू में भी कभी पूछता है, कहीं भी आपका पूछता है, तो बड़ा बैलेंस बनाकर आपको रखना है, समझ रहे हैं? एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बोला भी कुछ नहीं जा सकता है, बड़ा बैलेंस बनाना है, आपको बीच का रास्ता चुनना है दोनों को लेकर, ठीक है? एक पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि इससे हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे।